कोविड-19 के संक्रमण की तीसरी लहर से बचाव और रोकथाम के लिए जिला प्रशासन द्वारा एक नया फरमान जारी किया गया है। ये नया फरमान अब वाहनों में चलने वालों के लिए है। अब जिले के सभी पेट्रोल डीजल पंपों में जिस व्यक्ति के पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं होगा, उस व्यक्ति को डीजल या पेट्रोल नहीं मिलेगी। जिला प्रशासन की ओर से लोगों को संक्रमण से बचाने और उन्हें सुरक्षित रखने के मकसद से जनहित में ये अति महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। पेट्रोल पंप, स्ट्रीट वेंडर्स और सार्वजनिक यातायात के साधनों से आम जनों का निरंतर मेल जोल रहता है, साथ ही इन स्थानों पर नियमित आवागमन भी रहता है। इसके अलावा प्रतिदिन के कार्यकलापों में इनकी अहम भूमिका रहती है। जिले के सभी पेट्रोल पंप पर कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र यानी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की जाँच की जाएगी। अपने वाहनों में पेट्रोल डीजल भरवाने वाले लोगों को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी होगा। जिले के ऑटो चालक, टैक्सी चालक और बस चालकों का वैक्सीनेटेड होना जरूरी कर दिया गया है। जांच के दौरान वाहन चालकों को जांच अधिकारी के सामने अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पेश करना होगा। सड़क के किनारे ठेला खोमचा लगाने वालों के अलावा अन्य स्ट्रीट वेंडर्स का वैक्सीनेटेड होना जरूरी है। उन्होंने जिले के सभी नागरिकों से इस कार्य में सहयोग करने की अपील की है। प्रशासन ने और स्वास्थ्य विभाग ने ये सोचा है कि जो हमारा वैक्सीनेशन की दर जो अभी चल रही है, हमारा धनबाद का फर्स्ट डोज 63% और सेकेंड डोज 26 या 27% के आसपास है, तो बहुत बड़ा गैप है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कराना हमारा उद्देश्य है। और पेट्रोल पंप वगैरह जो जगह है वो एक सार्वजनिक प्लेस है जहाँ अन्य लोगों का भी आना जाना बना रहता है। अगर वैक्सीनेटेड पर्सन वहाँ पहुँचते हैं तो कोविड का थर्ड वेव के लिए भी जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने लोगों को वैक्सीनेट कराए ताकि कोविड का प्रसार रोका जा सके बीमारी का, तो ये भी कारण है जो प्रशासन ने ये तय किया, क्योंकि व्हीकल यूज करने वालों की संख्या भी अच्छी खासी है, तो इसलिए पेट्रोल पंप पर ये बंदिश लगाया। अगर सरकार और भी इसी तरह का कोई बंदिश कर दे, बाइक पर जाने वाले के लिए भी वैक्सीनेशन का दोनों डोज चाहिए, तो इस तरह तमाम बंदिशें लगेंगी तो धीरे धीरे लोग जो है अपना दोनों डोज लेने के लिए भी तत्पर होंगे। ऐसा भी देखा जा रहा है कि लोगों ने फर्स्ट डोज ले लिया, 84 दिन बीत गया है और उसके बाद भी सेकेंड डोज के लिए लोग नहीं आ रहे हैं। अब ये हम लोगों ने एक कॉल सेंटर बनाया अपने यहाँ, लगभग 7-8 आदमियों को रख के और जो लिस्ट निकाला जिनका 84 दिन से ज़्यादा था, लगभग 6,000 वैसे अनुमानित लोग थे, उनसे संपर्क करने का, जिसमें 3,664 लोगों को हमने टेलीफोनिक संपर्क किया। 22% ऐसे लोग निकले जिनका था कि उन्होंने सेकेंड डोज कहीं ना कहीं ले लिया था, लेकिन बाकी लोग से या तो संपर्क नहीं हुआ है या बाकी लोग बोल रहे हैं आपको याद नहीं है। तो ये जागरूकता चलाने के लिए जिस तरह मास्क कैंपेन चल रहा था लोगों के बीच में कि कोविड बिहेवियर लागू करें, उसी तरह कोविड वैक्सीनेशन को 100% सफल बनाने के लिए प्रशासन ने ऐसा निर्णय लिया। पहला डोज भी ले लिया और सेकेंड डोज में काफ़ी गैप, तो उसको देखते हुए और साथ ही साथ जो हम लोग का कैंप साइट होता है, वैक्सीनेशन साइट होता है, वहाँ पे देखेंगे कि एक महीने पहले जहाँ तक जितने वैक्सीनेशन उपलब्ध होते उससे ज़्यादा लोग रहते थे और हम किसी कारण से वैक्सीनेट नहीं कर पाते थे क्योंकि वैक्सीनेशन की संख्या कम थी। लेकिन हम उन्होंने पिछले एक महीने में आप देखेंगे कि हमारे पास वैक्सीनेशन की कोई कमी नहीं है, परंतु जो टर्नआउट हो रहा है लोगों का वैक्सीनेशन की वो संख्या कम हो रही है। और जबकि हम डाटा वाइज देखेंगे तो 40% आबादी स्टिल हमारी फर्स्ट डोज नहीं ले पाई, तो उक्त के आलोक में जिला स्तरीय समिति ने डिसाइड किया था कि इस संख्या को बढ़ाने के लिए अगर कुछ हम लोग फोर्सफुल इन्फोर्समेंट का कार्य करेंगे, जैसे सब्जी मंडी, पेट्रोल पंप, जो हमारे टैक्सी चालक हैं या ऑटो चलाते हैं, बसेस, इनको अगर हम टारगेट करते हैं तो सफाई का हमारा ओवरऑल परसेंटेज भी बढ़ जाएगा और किसी तरह हम कोरोना के फैलाव को भी रोक सकेंगे। तो इसी मद में जिला स्तरीय समिति ने डिसाइड किया था, मकसद हमारा एक ही था कि संख्या बढ़ जाए। हमारा मकसद ये नहीं कि किसी का कार्य बाधित हो या आवागमन में किसी को दिक्कत हो, परंतु इससे लोग प्रेरित होंगे कि आके कम से कम खुद को वैक्सीनेट करें, अपने परिवार को वैक्सीनेट करें और ओवरऑल संख्या बढ़ेगा तो प्रसार कोरोना का कम। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।